बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने न्यूज 11 भारत से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर बातचीत की। साथ ही कर्नाटक में मंदिरों में लग रहे जजिया टैक्स को लेकर भी अपना पक्ष रखा। उनसे बातचीत की संवाददाता भावना ने। समय था जब हिंदुओं को मंदिर में दर्शन करने के लिए जजिया कर देना पड़ता था, यानी कि टैक्स देना पड़ता था। अब आप मानिए ये कलयुग है, वर्तमान का समय है, जब लोकतंत्र का राज है, तो ऐसे समय में भी कर्नाटक में मंदिरों में कर की शुरुआत हो गई है, हैरानी की बात है। चलिए इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी से। सवाल सुन के ही जो है बहुत अजीब लग रहा होगा कि जजिया कर जो कभी मुगल में हुआ करता था। ये एक तुगल की फरमान है, ये मुगल राज की याद करा रहा है जब मंदिर जाने पर जजिया देना पड़ता था। अब दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार मंदिरों के रख रखाव व प्रबंधन पर कुछ अनुदान दे या सहयोग दे उसकी बजाय मंदिरों के चढ़ावे पर कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार 10% जजिया लेना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मसार है और ये भारत की संस्कृति का अपमान है। ये मुगल राज और तुगलक फरमानों की याद करा रहा। तो चलिए एक सवाल जो है राजनीति से जुड़ा भी कर लेते हैं इसी के साथ कि गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन में अब लगातार टूट देख रहे हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं जुड़ाव नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश उदाहरण ले लीजिए और दिल्ली भी अब नजदीक ही है। पहले सीटें घोषित कर दी, अब कुछ बांट दिया और कांग्रेस अगर उसमें खुश है तो ये तो कांग्रेस की हाईएस्ट निराशा का वातावरण है। ये गठबंधन नहीं, ये हताश निराश कुंठित परिवारवादी वंशवादी भ्रष्टाचारियों का समूह है जो अपने हितों के लिए काम कर रहा है। इनके सामने राष्ट्रहित गठबंधन की पॉलिटिक्स, गठबंधन का शास्त्र, ये कुछ भी इनके सामने नहीं है। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।